हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कॉनिकल विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्रेटिकुल ऑफ कॉनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोजेक्शन विद आर कितना दिया हुआ है वन इज टू हंड्रेड मिलियन एंड इंटरवल टेन डिग्री कॉनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरल प्रोजेक्शन में आर इंटरवल के अलावा और क्या चाहिए एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन में क्या है यहाँ पे देखिए टेन टू नाइन्टी डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड दैन फोर्टी टू वन सिक्सटी डिग्री इज लॉन्गिट्यूड जो कि ये है स्टैंडर्ड पैरेलल, तो इसलिए हम लोगों को लेटीट्यूड को लेना पड़ेगा पैरेल के तौर पे, तो जो कि है ये कॉनिकल उथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोजेक्शन तो हम लोग को जानना पड़ेगा वन स्टैंडर्ड पैरेल आखिर है क्या यहाँ पे देखिए मेरे एक कॉन बनाया है और इस कॉन के अंदर क्या करेंगे ग्लॉब को इंशार्ट कर देंगे ठीक है और यहाँ पे ये इक्वेटर का लाइन मैंने दिया है और इस कौन को जो भी लेटीट्यूड टच करेगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड पैरेलल तो यहाँ पे देखिए ये लेटीट्यूड टच कर रहा है तो ये हो गया स्टैंडर्ड पैरेलल ओके तो गेटिकुल ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है आर आर का मतलब है रेडियस ऑफ द रेड्यूस आर्थ तो आर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ द एक्चुअल आर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द गिवन स्केल एक्चुअल आर्ट का वैल्यू कितना है वन इस टू सिक्सटी फाइव मिलियन और गिवेन स्केल जो कि क्वेश्चन में है यहाँ पे देखिए हंड्रेड मिलियन वन इज टू तो यहाँ पे दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद आर का वैल्यू कितना आया सिक्स पॉइंट थ्री फाइव सेंटीमीटर तो हम लोगों का हम लोगों का आर का वैल्यू मिल गया सिक्स पॉइंट थ्री फाइव सेंटीमीटर जो कि है रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड आर्थ अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है तो ये कैसे बना है हम अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे तो यहाँ पे देखिए जो कि हम लोग को मिला था आर का वैल्यू सिक्स पॉइंट थ्री फाइव तो क्या करेंगे जो कि रेडियस तो सिक्स पॉइंट थ्री फाइव रेडियस एक लेंगे और रेडियस के सहायता से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए वन स्टैंडर्ड पैरेलल जो कि कौन सा पैरेलल इस कौन में टच करेगा इसको हम लोगों को दिखाना होगा तो जो कि एक्सटेंशन में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या टेन टू डिग्री टेन टू नाइन्टी डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तो क्या करेंगे टेन प्लस नाइन्टी डिग्री को प्लास करेंगे कितना होगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू वैल्यू आंसर कितना आया फिफ्टी डिग्री तो फिफ्टी डिग्री क्या होगा स्टैंडर्ड पैरेलल तो यहाँ पे क्या करेंगे एक फिफ्टी डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे ये देखिए फिफ्टी डिग्री का एंगल एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे ये हो गया फिफ्टी डिग्री और फिफ्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे कौन बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले कौन बनाने से पहले बीचों बीच नाइन्टी डिग्री में एक लाइन खींचेंगे ये हो गया लाइन और यहाँ से इस कौन को टच कराएंगे किस पर फिफ्टी डिग्री को तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है आप लोग क्या करेंगे पहले एंगल को ड्रा करेंगे वन स्टैंडर्ड पैरल इसके बाद इसको टच करा दीजिएगा ओके ये टच हो गया इस तरफ भी मैंने बनाया लेकिन वन साइड लेने से हो जाता है इसमें तो अभी देखिए यहाँ पे टेन डिग्री का एंगल बना हुआ है तो ये क्यों बनाया है यहाँ पे देखिए जो कि हम लोग का इंटरवल कितना है टेन डिग्री तो क्या करेंगे फिर एक टेन डिग्री का एंगल बनाएंगे ये बन गया है और इसके बाद इस टेन डिग्री को हम लोग क्या करेंगे कंपास के सहायता से नहीं तो डिवाइडर के सहायता से हम लोग इसको मेज़र करेंगे ये हो गया यहाँ पे देखिए ये मैंने मेजर किया और यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे ये बन गया क्वाड्रेंट ओके तो जो कि हम लोग का स्टैंडर्ड पैरेलल कितना है फिफ्टी डिग्री यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे इसका नाम देंगे एक्स वाई और कौन का भी मैंने नाम दिया है यहाँ पर देखिए ए बी सी और जो कि स्टैंडर्ड पैरल फिफ्टी डिग्री है इसका नाम यह है डी तो ये हो गया सेकेंड स्टेप इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड स्टेप जो कि ग्रेटिकुल ड्रॉ तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है क्रॉनिकल विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल का ग्रेटिकुल बना हुआ है तो ये कैसे बना है मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ओके तो जो कि मैंने रेडियस के सहायता से सर्कल बनाकर कौन बनाया था और 50 डिग्री को टच किया था यहाँ पे जो कि 50 डिग्री था स्टैंडर्ड पैरेलल अभी क्या करेंगे ए टू डी ए टू डी का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे देखिए अभी क्या करेंगे हम ये 5.8 पॉइंट एट यहाँ पे डॉट दिया मैंने डॉट देने के बाद कंपस के सहायता से स्टैंडर्ड पैरेल का कार्ड ड्रॉ करेंगे ये बन गया स्टैंडर्ड पैरेल जो कि 50 डिग्री और जो कि एक्सटेंशन हम लोगों तो का है टेन टू नाइन्टी डिग्री तो फिफ्टी डिग्री का ऊपर पोलिजन की तरफ क्या होगा सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी और नीचे की तरफ फोर्टी थर्टी ट्वेंटी टेन तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कौन सा हम लोग लेंगे एक्स वाई का मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे देखिए कॉम्पास के सहायता से मैंने फिर एक्स वाई का मेजरमेंट किया और इसी मेजरमेंट से क्या करेंगे फिफ्टी डिग्री का नीचे का डोड देंगे ये हो गया फोर्टी थर्टी ट्वेंटी टेन फिर ऊपर की तरफ जाएंगे सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी डॉट देने के बाद क्या करेंगे फिर से कर्व बनाएंगे पहले नाइन्टी डिग्री का कर्व ये हो गया नाइन्टी डिग्री का फिर एट्टी डिग्री का कर्व ऐसे ही हम लोग सेवेंटी डिग्री सिक्सटी डिग्री फोर्टी डिग्री सबका कर्व कार्ड ड्रॉ करेंगे ये बन गया पैरेलल अभी हम लोगों को क्या चाहिए मेरिडियन जो कि यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ पे देखिए मेरिडियन के लिए क्या करना पड़ेगा सेम क्या करेंगे एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वही लेंगे हम लोग तो इसको जो कि है स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड पैरेलल इसलिए हम लोग क्या करेंगे फिफ्टी डिग्री जो कि स्टैंडर्ड पैरेलल है इसमें हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे ये हो गया तो कहाँ तक लेना है हम लोगों को जो कि एक्सटेंशन हम लोगों का कितना है फोर्टी टू वन सिक्सटी डिग्री तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको नंबरिंग करेंगे इसका नंबर कितना है ये जानेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो कि एक्सटेंशन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फोर्टी टू वन सिक्सटी तो क्या करेंगे फोर्टी प्लस वन सिक्सटी टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड तो ये हम लोग का मेरीडियन कितना होगा हंड्रेड डिग्री ये हो जाएगा हंड्रेड डिग्री यहाँ से हम लोग बढ़ाएंगे टेन करके प्लस करेंगे यहाँ से हम लोग टेन करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी थर्टी हंड्रेड फोर्टी हंड्रेड फिफ्टी हंड्रेड सिक्सटी हो गया या नाइन्टी एट्टी सेवेंटी सिक्सटी 50, 40. तो इसका डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बताया है जो कि एक्स वाई का डिस्टेंस था हम लोग क्या करेंगे 50 डिग्री में करेंगे 50 डिग्री कर्व में इस तरफ करेंगे फिर इस तरफ भी करेंगे डिवाइड डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे आखिर में ये एक ही सेंटर में हम लोग स्केल को रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से लाइन एक खींचेंगे मीडियम के लिए इस तरीके से हम लोग अप टू वन सिक्सटी तक फिर इधर भी हम लोग करें खींचेंगे लाइन अप टू फोर्टी डिग्री तक खींचने के बाद यहाँ पे जो कि नंबरिंग किया हुआ है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिग्री सबको लिखेंगे लंगी का और लेटी का भी लिखेंगे और यहाँ पे फिफ्टी डिग्री का मैंने नाम दिया है स्टैंडर्ड पैरल जो कि कौन को टच कर रहा है तो क्रोनिकल उथ वन स्टैंडर्ड पैरल प्रोजेक्शन का कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको आप लोगों को इस वीडियो में बताया है तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो